आज राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम यहाँ पर हमारी कर्मचारियों की मुख्य मांगे के संबंध में आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, और इससे पूर्व में अधीक्षण अभियंता महोदय को भी ज्ञापन दिया है हमने चेयरमैन डिस्कॉम्स के नाम। जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग है इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति को लागू किया जाए। 2012 में इसकी जो है समिति बनाई गई थी, लगभग पूरी होने वाली थी, सरकार चली गई, उसके बाद में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, वापस सरकार आई है। तो हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति लागू करके कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। इसके साथ ही हमारी जो 2015 में हड़ताल हुई थी उसमें कुछ कार्रवाइयाँ लंबित पड़ी हैं, उन्हें भी तुरंत निस्तारित किया जाए, जिसमें 3 कर्मचारी प्रसारण के हमारे गौतम मेघवाल, चेतन दवे और ब्रह्मदेव कुमावत, इनकी भी जो डिमोशन कर दिया गया था, तो वो कार्रवाइयाँ वापस लेकर उन्हें भी राहत प्रदान की जाए। साथ ही जो हमारे तकनीक कर्मचारी भाई हैं इनका टेक्निकल हेल्पर जो नाम दिया गया है, कहीं पर भी ये नाम नहीं है आईटीआई योग्यताधारी कर्मचारियों का, तो हमारा जो पदनाम है उसे टेक्निकल हेल्पर से टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रिशियन किया जाए। अभी बताइए कितने टाइम से आप लोग इन मांगों को लेकर? हम पिछले 7 सालों से लगातार इन मांगों को लेकर अपने प्रदर्शन वगैरह करते आए हैं। इसके संबंध में हमने कई बड़े बड़े प्रदर्शन भी यहाँ पर और राजस्थान स्तर पर किए हैं, लेकिन अभी तक ये मांगें पूरी नहीं हुई हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? अगर ये मांगे हमारी समय पर पूरी नहीं की जाती है तो आगे प्रदेश कार्यकारिणी की जो भी हमारी नई योजना बनाई जाएगी उसके आधार पर हम जो है आंदोलन को और जो है उग्र करेंगे, या जैसे भी हम कार्यकारिणी के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उसकी पालना करेंगे। आपका नाम बताइए? हेमंत चौरसिया, प्रदेश सचिव, राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन।